Hey friends, welcome back to my channel and show of watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल CCC by Priya में. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चार तरह की डिफरेंट चटनियाँ. अब चटनियाँ हमारे खाने का स्वाद दोगुना नहीं चार गुना कर देती हैं. सब्जियाँ तो खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ अगर आप चटनी को भी पैरअप कर देते हैं तो खाने का स्वाद चार गुना हो जाता है. तो यहाँ पर आज चार तरीके की चटनियाँ शेयर कर रही हूँ, जिसमें इमली की चटनी है, धनिया की चटनी है, दही वाली चटनी है और एक है टमाटर की चटनी. चारों ही चटनियाँ डिफरेंट हैं, टेस्ट बिल्कुल अलग है और चारों का ही टेस्ट बहुत ही बेमिसाल है. तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं चाट में, दही भल्ले में, गोलगप्पे का पानी बनाने में, मीन्स सभी चीज़ों में ये बहुत ही यूज़ आती है. और मैं अक्सर ये इमली की चटनी बनाकर रख देती हूँ. ये 6 महीने तक भी फ्रीज में रखने के बाद ख़राब नहीं होती है. इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 5 से 6 गुड़ के पीसेस, जिसको मैं मूसल की सहायता से थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर लूँगी. क्रश कर लेते हैं तो गुड़ को मेल्ट होना इजी हो जाता है, इसलिए हमने इसको क्रश कर लिया है. क्रश करने के बाद आप इसको मेज़र कर लीजिए. 1 कटोरी मैंने भरकर ये गुड़ लिया है. उसी के साथ ही 1 कटोरी भरकर इमली को मैंने 2 कटोरी पानी के साथ डिप करके रख दिया था, ताकि इमली फूल जाए. और फिर हम इमली को कुछ इस तरह से मैश कर लेंगे हाथ से, ताकि इमली का पल्प निकल कर तैयार हो जाए. अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप गर्म पानी में इसको भिगो दीजिए, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल पानी में भिगोते हैं तो कम से कम 4 घंटे पहले आपको भिगोना होता है, तब ये इमली अच्छे से फूल जाती है. और फिर जब आप इसको हाथ से मैश करेंगे तो इसके जितने भी बीज होंगे वो ईजिली बाहर आ जाएंगे. तो इस तरह से हाथ से मैश करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एक स्ट्रेनर का. स्ट्रेनर की सहायता से आप इसको कुछ इस तरह से छान लीजिए, ताकि जितना भी इसके अंदर बीज हैं, इसके जितने भी छिलके हैं, वो सब कुछ अलग हो जाएं और इमली का पल्प अलग हो जाए. तो कुछ इस तरह से छानने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास इमली का पल्प आ चुका है. थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए, ताकि इसमें जितना भी इमली का गूदा हो वो सब कुछ निकल आए और कुछ भी वेस्टेज ना हो. अब मैं इसे भी अच्छे से मसल लूँगी, ताकि जितना भी इमली का गूदा है वो सब कुछ हमारे पास आ जाए. इस तरह से मैंने सब जितने भी बीज थे, छिलके थे, उन सबको निकाल दिया है और इसको अगेन स्ट्रेन कर लिया है. तो इस तरह से मेरे पास ये टोटल इमली का पल्प आ चुका है. यहाँ पर आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली ना हो, अदरवाइज आपको पकाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए ज़्यादा पानी ऐड ना करें. टोटल 1 कटोरी इमली में आपको 2 कटोरी पानी ही ऐड करना है. और फिर इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी गुड़, जिसको मैं पहले ही मेज़र करके रख चुकी थी. गुड़ और इमली के पल्प को मिक्स करने के बाद मैं अब इसको रख देती हूँ फ्लेम पर पकने के लिए. धीरे धीरे करके ये पकना स्टार्ट होगी और गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाइए कि जो इमली की चटनी है वो आधी पक चुकी है. उसके बाद हमें इसे आधा और पकाना होता है. इस टाइम फ्लेम आपको मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है. तो जैसे जैसे गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इमली की चटनी की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाती है. अभी हमें इसे और देर तक पकने देना है, क्योंकि हम इसे 6 महीने के लिए स्टोर कर रहे हैं. अगर आपको इसे तुरंत ही यूज़ करना है तो आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है. इस स्टेज पर मैंने इसमें ऐड किया है भुना हुआ जीरा पाउडर. उसी के साथ ऐड करूँगी थोड़ी सी हींग और उसी के साथ मैं यहाँ पर इसको फ्लेवर देने के लिए ऐड करूँगी काला नमक. इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दीजिए. आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसको चटपटा बनाने के लिए. और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए. पकते पकते जब ये थिक हो जाए तब आप समझ जाइए कि इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है. हमें इसे गैस पर रखे रखे ही ज़्यादा थिक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये ठंडी होने के बाद भी और थिक हो जाती है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग आपको कंसिस्टेंसी इसकी मेंटेन करनी है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चटनी काफ़ी थिक हो चुकी है. तो इस स्टेज पर मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी. ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी. तो कम से कम 2 घंटे तक ठंडा होने के बाद नाउ यू कैन सी इट्स कंसिस्टेंसी. लुक एट दिस, कितनी गाढ़ी हो गई है ना. बस इसी तरह से गाढ़ी हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है.
फिर आप चाहें तो इसे किसी एक कांच के जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास कांच का जार नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक कंटेनर में भरकर भी इसको स्टोर कर सकते हैं और ये 6 महीने तक भी खराब नहीं होती है अगर आप इसको फ्रीज में रखकर स्टोर करते हैं। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल नेचुरल है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कलर्स इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो इस तरह से आप ये चाट वाली इमली की चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये इमली की चटनी की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। लेकिन अभी कहीं जाइए नहीं, क्योंकि अभी तो आपको 3 चटनियाँ और देखनी बाकी हैं। अब हम बनाते हैं धनिए और पुदीने की चटनी, जिसको आप स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर सैंडविचेस में भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी हरे धनिए का। हरे धनिए को आपको लेना है लगभग 1 कटोरी। उसी के साथ आप यहाँ पर ऐड कीजिए इसको और भी कलरफुल बनाने के लिए ताज़ा पुदीना। अगर आप चाहते हैं कि चटनी का कलर डार्क ग्रीन कलर का हो तो आप इसमें पुदीना ज़रूर ऐड कीजिए, कलर भी अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया है नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, आप चाहें तो भुना ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ मैं ऐड करूँगी हींग, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये पाचक भी होती है। सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा पानी आप यहाँ पर ऐड कीजिए और इसको कीजिए मिक्सर ग्राइंड। 2 मिनट तक करेंगे और ये देखिए चटनी कितनी बढ़िया आई है ना। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे इसका कलर तो उतना अच्छा नहीं आया है, तो यस, इसका कलर अभी उतना अच्छा नहीं है। इसका कलर अभी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे चटनियाँ भी रंग बदलती है। तो मैंने लिया यहाँ पर 1 नींबू और नींबू को इसके ऊपर ऐड किया, तो नींबू ऐड करते के साथ ही आप ये देखिए कि इसका कलर कितना बढ़िया हो गया, एकदम लाइट ग्रीन कलर में आ जाता है, बिल्कुल ब्राइटनिंग हो जाता है और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। क्योंकि इस चटनी में अभी तक हमने कोई खट्टापन नहीं ऐड किया था, इसीलिए मैंने नींबू ऐड किया है। और जब भी आप नींबू ऐड करें तो हमेशा लास्ट में ही ऐड कीजिए, तब आप देखेंगे कि चटनी का कलर बहुत ही ब्राइट हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से तैयार है आपकी ये हरी चटनी, जिसको आप स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने मेन कोर्स में भी इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। ये चटनी इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है ना, तो केवल इस चटनी से ही आप अपना खाना खा सकते हैं, बहुत ही कमाल की है। तो ये हमने बनाई है रोस्टेड टमाटर से, जिसका स्वाद बहुत ही डिफरेंट होता है। और मेरे कहने पर एक बार ये रोस्टेड टमाटर वाली चटनी तो ज़रूर ही ट्राई कीजिए। रोस्टेड टमाटर चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक स्टैंड। स्टैंड के ऊपर मैं रखूँगी टमाटर, क्योंकि सबसे पहले हम टमाटर को रोस्ट करेंगे। तो टमाटर को रोस्ट करने के लिए इस तरह से प्लस का साइन आप टमाटर के ऊपर बना दीजिए, ताकि जब ये रोस्ट हो जाए तो इसके छिलके बहुत ही ईजिली बाहर आ जाएँ। मैं एक्चुअली यहाँ पर चोखा भी बना रही थी, इसलिए मैंने आलू भी यहाँ पर रोस्ट करने के लिए रखे थे। तो आलू का तो हमारा यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, केवल टमाटर का ही यूज़ करेंगे। टमाटर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर ब्रशिंग कर दीजिए, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं। तो इस तरह से यहाँ पर टमाटर को आप लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दीजिए, बीच बीच में चेंज करते रहिए, मींस इसकी पोजीशन चेंज करते रहिए, ताकि टमाटर चारों साइड से अच्छे से पक जाए। और जो जो पक रहा है उसको साइड में कर दीजिए, बाकी पकने के लिए इसको बीच में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक चुका है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इसका छिलका अलग कर लेना है। अब क्योंकि हमने वो कट का निशान लगाया था, इसलिए आप देख सकते हैं छिलका भी बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। तो इस तरह से सारे छिलके अलग करने के बाद हमें इसको मैश करना होता है, क्योंकि हम रोस्टेड टमाटर की चटनी बना रहे हैं ना, तो ये बहुत ही गजब की लगेगी, यकीन मानिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं यूज़ करूँगी चॉपर का। चॉपर में मैं सारे का सारा टमाटर इस तरह से ऐड कर दूंगी। उसी के साथ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन भी आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और सभी चीज़ों को इस तरह से चॉप कर लीजिए। और ये लीजिए, आपकी रोस्टेड टमाटर की चटनी बनकर है बिल्कुल तैयार, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि ये चटनी आपको कैसी लगी। क्या आप लोग भी इस तरह से ये टमाटर की रोस्टेड चटनी बनाते हैं? अगर बनाते हैं तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट चटनी, जो है मूर्थल स्पेशल दही वाली चटनी, जो अक्सर आप लोगों ने रेस्टोरेंट में भी खाई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती है और रेस्टोरेंट्स में अक्सर ये सिरके वाली प्याज के साथ सर्व की जाती है। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, फ्रेश धनिया का यूज़ कीजिए तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा सभी चटनियों में। उसी के साथ एक हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड की है, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर सकते हैं।
जीरा डाल दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए, भुना हुआ जीरा पाउडर आपको यहाँ पर ऐड करना है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पुदीना। इस पुदीने के बिना आप ये चटनी बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। पुदीना ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका मेन फ्लेवर आता है। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है दही, क्योंकि ये मूथल वाली जो चटनी होती है इसमें बिना दही के आप कोई भी ये चटनी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक तो इसका कलर नहीं आएगा, दूसरा इसका टेस्ट भी नहीं आएगा। तो दही ऐड करने के बाद आप इसको चर्न कर लीजिए, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड चर्न करने के बाद लुक एट दिस, वाओ, इट टर्न्स आउट टू बी सो नाइस। बहुत ही टेस्टी लगती है और कलर बहुत प्यारा आता है, खाने में स्वाद चार गुना कर देती है। तो कैसी लगी आपको ये आज की चारों चटनियाँ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ आप सबके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टेस्टी हेल्दी चटपटी रेसिपीज़ के साथ। Until then, tata, bye bye, and love you all. Don't forget to like and subscribe. Bye bye, take care, stay safe, stay home, and namaste, India.